नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर में सरपंच तथा ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उम्री प्रत्याशियों की भीड़। सावनेर तहसील के करीब 36 ग्राम पंचायतों का 18 दिसंबर 2022 को चुनाव होने तय है। आगामी माह में होने वाले चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरपंच तथा ग्राम पंचायत सदस्य हेतु पार्टियों के टिकट के साथ ही ग्राम स्तरों पर प्रतिष्ठित गुटों से टिकट प्राप्ति की जुगाड़ लगाकर नामांकन हेतु बड़ी संख्या में पहुंचे। नामांकन के अंतिम दिन सामने तहसील परिसर में भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आदि ग्राम पंचायतों के लिए 36 सरपंचों के साथ ही कुल 328 पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इस चुनाव में मुकाबला क्षेत्र के विधायक, पूर्व मंत्री सुनील केदार तथा भारतीय जनता पार्टी व स्थानीय गुटों के बीच होना तय है। 36 ग्राम पंचायत सरपंच तथा 328 सदस्य ग्राम पंचायतों सदस्यों के चुनाव हेतु 41,992 महिला व 44,558 पुरुष मतदाता, ऐसे कुल 86,310 मतदाता मतदान कर अपने कस्बों की सरकार चुनेंगे। ग्राम पंचायत चुनाव में क्षेत्र के विधायक, पूर्व मंत्री तथा कदावर नेता सुनील केदार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। 18 दिसंबर 2022 को संपन्न होने वाले तहसील के 36 ग्राम पंचायतों के चुनाव हेतु कुल 86,310 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जानकारी तहसीलदार तथा चुनाव अधिकारी प्रताप बागमारे तथा अमोल देश पांडे ने दी। सामने संपाददाता मुकेश झरबड़ी की रिपोर्ट।